हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5000 रुपये के अंदर आने वाले सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। सभी फोन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेस्ट स्मार्टफोन की इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी M02। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.5 इंच का TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो आपको काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें आपको MediaTek चिपसेट देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कैमरा की। इस फोन में 30 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं बैटरी की। इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी की परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोरेज की। इस फोन में आपको 2GB रैम साथ में 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो इस फोन में आपको एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं प्राइस की। तो ये फोन आपको मिल जाएगा 9000 रुपए की प्राइस। पहले बात करते हैं इस लिस्ट की अगली फोन की। अगली फोन है Realme Narzo 50i। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो आपको अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें आपको Unisoc चिपसेट देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कैमरा की। इस फोन में 8 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं बैटरी की। इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोरेज की। इस फोन में आपको 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो इस फोन में आपको एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं प्राइस की। ये फोन आपको मिल जाएगा 9000 की प्राइस पर। ले बात करते हैं इस लिस्ट की अगली फोन की। अगला फोन है Infinix Smart 5। तो सबसे पहले बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें आपको MediaTek Helio G25 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन की कैमरा की। 30 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं बैटरी की। इस फोन के अंदर 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोरेज की। इस फोन में आपको 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। इस फोन में आपको एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं प्राइस की। ये फोन आपको मिल जाएगा 7500 रुपए की प्राइस पर। सभी फोन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।